हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहां देश प्रदेश के कई शहरों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में कुछ उपद्रवी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर तुले हैं, तो वहीं यूपी के जनपद बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की ओर से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद एक अलग ही मिसाल देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों ने प्रशासन को 6,27,507 रुपए डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट सौंपा है। दरअसल गत सप्ताह जुम्मे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बुलंदशहर में हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान कुछ उपद्रवियों ने जहां सरकारी गाड़ी को आग लगा दी थी, तो वहीं कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की ओर से 3 FIR दर्ज करते हुए 22 नामजद समेत 800 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने हिंसा पर अफसोस जताते हुए हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई का बीड़ा उठाया था। लास्ट फ्राइडे को यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, उसमें एक सरकारी गाड़ी में वायरलेस सेट और कुछ अन्य वस्तु को क्षति पहुँची थी। तो ये बुलंदशहर में बहुत अच्छी पहल हुई है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये फील हुआ कि जो भी सरकारी संपत्ति है वो उनके दिए गए टैक्स से ही खरीदी जाती है और सरकारी संपत्ति का नुकसान मतलब अपना नुकसान हुआ। तो इसी फीलिंग के तहत हमारे पास एक आवेदन पत्र आया है और कुल जो नुकसान जो समिति द्वारा जो मूल्यांकन किया गया था 6,27,507 रुपये का, उसका डिमांड ड्राफ्ट हमारे पास आया है और लोगों ने ये फील किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें भी लिखा हुआ है कि सब लोगों को बहुत दुख हुआ और इसकी पहल जो अभी 2-3 दिन पहले कमिश्नर मैडम और IG सर आए थे, उसी मीटिंग में एक सज्जन ने ये प्रपोजल रखा था कि हम लोग कम्युनिटी कलेक्शन करके दे देंगे, वहीं पे ये बात तय हुई थी और ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं स्थानीय लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ कि बहुत ही शांति से इसका निपटारा हो गया। सर, जुमे की नमाज की शांतिपूर्ण निमट गई, कितना फोर्स डिप्लॉयड किया गया था, किस तरह से शांति मिली? देखिए, फोर्स और प्रशासन तो अपनी मैक्सिमम शक्ति के साथ सब जगह तैनात थे, साथ ही आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अपील भी की जा रही है। तो एक तरफ जहां फोर्स हर एक जगह तैनात थे, पुलिस और प्रशासन ड्यूटी कर रही थी चाहे दिन हो या रात हो, उसी के पैरेलल हम चाहे कस्बे में जाकर हो, मस्जिद के अंदर जाकर हो, बाहर जाकर हो, थाने स्तर हो, तहसील स्तर हो, जिला स्तर हो, सब जगह पे हमने वार्ता की और हमें लगता है इसमें कि मीडिया बंधुओं का भी बहुत सकारात्मक सहयोग रहा। जो यहाँ पे धर्म गुरु हैं उनका, टीचर्स का, कोटेदार, प्रधान, मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। उसी का फल है कि आज अभी तक पूरी शांति है और आगे भी हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इसी तरह का प्रयास रखें, जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को मुस्तैद रखें। घटना के 7 दिन बाद यानी आज जहां जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से शांति का संदेश दिया गया, तो वहीं समुदाय की ओर से बुलंदशहर जिला अधिकारी को 6,27,507 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।